डियर पेरेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं होता है, उसे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या फिर फॉर्मूला फीड देना पड़ता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो पेरेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे को कितना दूध दें जो कि उसके लिए सफिशियंट है, कितना दूध दें कि उसका पेट भर जाए और उसका वजन बढ़ता रहे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन। और दोस्तों, मैं आज आपको बहुत आसान तरीके बताऊँगा, तीन मेथड ऐसे बताऊँगा जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, अपने बच्चे की दूध की मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास टाइम पे आती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें से सबसे आसान सबसे पहले है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सबसे बाद में है। तो आप अगर आसान देखना है तो आप शुरू कर देख के आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लास्ट तक देखिए। तो सबसे आसान तरीका है जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो ये है कि आप जब भी फार्मूला मिल्क बनाएं तो फार्मूला मिल्क बनाने के बाद बच्चों को आप जब पिलाते हैं तो अगर बच्चा पूरा फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो फिर आप उसे फिर से बना के दोबारा दें, और फिर अगर फिनिश करता है तो दोबारा फिर आपको उसको दें। यानी कि बच्चे को तब तक देते रहें जब तक वो थोड़ा सा छोड़ ना दे। जो छोड़ देगा दूध आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे, बट तब ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब बच्चे का पेट भर चुका है। तो इसी तरह से आपको डिसाइड करना है, एक दो बार, तीन बार, चार बार आप ये चीज़ करेंगे, उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि एक बार में वो कितना फीड ले रहा है, उसी हिसाब से उसको फीड बनाते रहें। हर बार आपको इस तरह से दूध फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो चार बार में आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है वो आपने बहुत जगह बहुत सारी वीडियोस में या नेट पे एक चार्ट देखा होगा, वो चार्ट भी सिंपल सा है। उस चार्ट को आप नोट डाउन कर लें, कहीं पर आप उसको चिपका के रख लें, अपने बेडरूम में लगा के रख लें, तो उससे आपको अंदाज़ा होता रहेगा। तो अगर आपको चार्ट पसंद है तो आप ये चार्ट आपके सामने है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आपका बच्चा एक महीने तक है, एक महीने तक आप अपने बच्चे को 8 से 10 बार, क्योंकि आप उसको हर 2 से 3 घंटे पर आप उसको फीड कराएंगे, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो 8 से 10 बार दिन में आप उसको फीड कराएंगे, और 350 ml से 600 ml आपको दूध उसको पिलाना है। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है तो 2 महीने के बच्चे को थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कम कर सकते हैं, 6 से 8 बार उसको आप दूध पिलाएं, 600 से 800 ml उसको दूध पूरे दिन में चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर 600 ml जैसे बच्चा आपका पूरे दिन में ले रहा है, आप उसे 10 बार फीड करा रहे हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए तो 60 ml हर बार में आएगा। इसी तरह से अगर आप 800 ml दे रहे हैं और 10 बार में उसको फीड दे रहे हैं तो उसको 80 ml हर बार में आएगा। कभी हो सकता है बच्चा कुछ ज़्यादा फीड ले, कभी हो सकता है कम ले, बस आपको ये करना है कि पूरे दिन में ये जो अमाउंट है ये पूरे दिन में आपको इतना देना है। एक बार कम लेता है तो अगले बार में उसको ज़्यादा दे दें। अब इसी चार्ट को आगे देखते हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 मंथ का है तो उसको 5 से 6 टाइम आपको उसको फीड कराना है, और उसको 750 से 900 ml तक फीड कराना है। ये 750 ml लोअर लिमिट है और 900 ml उनके लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा वेट के बच्चे हैं। अपर लिमिट कुछ नहीं होती है, अपर लिमिट जितना आपका बच्चा लेता जाए आप उसे देते जाएं। फिर आते हैं बच्चा जब आपका 4, 5 और 6 महीने का अगर बच्चा आपका है तो उसे दिन में 5 से 6 टाइम दूध चाहिए, 5 to 6 टाइम आप फीड कराएंगे, और हर बार में उसे 750 से 1100 ml फीड कराएंगे। बच्चा आपका 3 महीने से 6 महीने के बीच का जब होता है तो उसकी एपेटाइट जो उसकी होती है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, ग्रेजुअली बढ़ती है। तो ये तो था चार्ट वाला मेथड। अब क्वेश्चन ये उठता है 6 महीने के बाद क्या करना है। तो 6 महीने के बाद के लिए बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना है, दूध बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो तरीका है जो हम यानी कि पीडियाट्रिशियन जो तरीका फॉलो करते हैं फीड एडवाइस करने में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, जो कि बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका 1 से 7 दिन का बच्चा है तो डे वाइज उसका जो फीड का जो अमाउंट है वो चेंज होता है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर 7 दिन से ऊपर का बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको 7 दिन के बाद वाले बच्चों को 150 ml मिल्क उसका हम मीडियम मान लेते हैं, क्योंकि एक रेंज होती है 100 ml पर केजी से 200 ml पर केजी, ये एक रेंज होती है। इस रेंज में बच्चा फीड लेता है, कुछ ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेता है।
100 ml पर केजी पर डे का मतलब यह हुआ कि आपका बच्चा हर किलो पे 100 ml पूरे दिन में फीड लेगा। ये मिनिमम है और अपर लिमिट 200 तक पहुंच सकती है, 200 ml पर केजी पर डे तक पहुंच सकती है। तो हम एक जो कैलकुलेशन करते हैं वो मीडियन 150 लेके चलते हैं। तो 150 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 150 ml पर केजी पर डे, यानी कि अगर बच्चा आपका 2 किलो का है तो पूरे दिन भर में उसको 300 ml चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो पूरे दिन में उसे 450 ml मिल्क चाहिए। तो इसी तरह से सपोज करिए आपका बच्चा 4 किलो का है तो 4 किलो के बच्चे को 150 यानी कि 150 गुणा 4 करिए तो आएगा 600। और अगर आप उसे दिन में 6 बार दूध दे रहे हैं तो 100 ml पर फीड देना है आपको, मतलब हर बार जब दूध देंगे तो 100 ml देना है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा है वो मान लीजिए 6 किलो का है तो उसको 900 ml 150 × 6 मतलब 150 गुणा 6 ये बनेगा 900 ml, मतलब 900 ml उसको पूरे दिन भर में चाहिए। और इस 900 ml को अगर आप 6 बार में दे रहे हैं तो हर बार में उसको 150 ml चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे को हर बार में हमें कितना फीड देना है। और सपोज़ करिए अगर आपका बच्चा पूरे दिन में 600 ml नहीं ले रहा है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसके वेट को देख लीजिए कि 100 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना जो अमाउंट आ रहा है, मतलब कि अगर आपका बच्चा 6 किलो का है और उसको 100 से गुणा करिए तो 600 आया, मतलब 600 से कम दूध बच्चे को नहीं देना है आपको। अगर बच्चा इससे कम लेता है तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से मिलना है कि बच्चा फीड कम ले रहा है और उसे तुरंत दिखाना है। तो इस तरह से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर मान लीजिए बच्चा आपका ज़्यादा लेता है दूध, कोई बात नहीं, बच्चे की फीड हमारी, जैसे हम कभी कम फीड लेते हैं, कभी हम ज़्यादा रोटी खाते हैं, कभी कम रोटी खाते हैं, वैसे बच्चा भी होता है कभी ज़्यादा फीड लेता है, कभी ज़्यादा डिमांड करता है, कभी कम डिमांड करता है। जिस दिन ज़्यादा वो एक्टिविटी कर लेता है, ज़्यादा हाथ पर चला लेता है, खेलता है, उस दिन बच्चा आपका थोड़ा सा ज़्यादा फीड मांगता है, थोड़ा सा ज़्यादा फीड लेता है। और जिस दिन थोड़ा सा बच्चा सुस्त रहता है उसे कम फीड लेता है, तबीयत ख़राब होती है किसी वजह से, मान लीजिए फीवर आ गया या और कोई इस तरह की इलनेस हो गई, तो बच्चे की फीड जो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरी रेंज पता है और आपको पूरा एक जो जिस तरह से आइडियली आपको नापना है वो भी पता है। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके नाप सकते हैं। फिर से मैं आपको समराइज़ कर दूँ, देखिए आपको जो कैलकुलेट करना है वो 150 ml पर केजी पर डे से करना है। आपका बच्चे का जो भी वज़न है उसको 150 से गुणा करिए, जो भी फीड उसको आता है उतना फीड आपको देना है। अगर आप 6 बार में देते हैं तो उसको 6 बार में उसको भाग कर दिए, 6 बार में 6 हिस्सों में बांट के दे दिए, जैसे अगर 600 ml है तो हर बार में 100 ml दे दिए। अगर आप 4 बार में दे रहे हैं तो उसको 4 बार में डिवाइड कर दिए। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार ये बात बोलूँगा कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क अगर आप देंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए, यही मेरी एडवाइस है। और जाते जाते एक छोटी सी टिप्स आपके लिए और है कि अगर बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर हो गया है तो उसे कितना मिल्क दें। दोस्तों 6 महीने के बाद भी बच्चे को 750 ml मैक्सिमम दूध देना है पूरे दिन में, आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 6 महीने के बाद बच्चे के लिए जो मेन उसका जो गिज़ा है, मेन उसका जो खाना है वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, उसी से उसकी जो वज़न है, उसी से उसकी जो ग्रोथ है वो होगी, उसी से वज़न बढ़ेगा, उसी से बच्चा आपका हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त होगा, मोटा होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फीड के लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को अपना प्यार ऐसे देते रहिए, अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिए। ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कर दीजिएगा, जिनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें ये ज़रूर फॉरवर्ड करिए, उनसे शेयर करिए ताकि उनकी भी जानकारी थोड़ा सा बढ़ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।